वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द सेकेंड ऑफ खीरीगंगा ट्रैक। अभी हम लोग का सॉल से निकल रहे हैं खीरीगंगा के लिए। अभी टाइम हो रहा है 9:05। हमारा शेड्यूल था सुबह के 6 बजे निकलने का, बट क्या करें, साथ में रहने वाले लोग ऐसे थे कि सुबह उठ के नहीं दिए। सो चलो कोई बात नहीं, अभी लेट देर आए दुरुस्त आए, जब तक होता अभी सवेरा। तो अभी चलते हैं खीरीगंगा ट्रैक की तरफ, लेट्स गो। सो नाउ वी आर चेकिंग आउट अवर होटल ग्रीन वैली का सॉल। आई रिकमेंडेड यू यार, यहाँ पे आओ, चीप एंड सस्ता होटल मिलेगा, अच्छे प्राइस में मिलेगा। और बारिश होने शुरू हो गई है, सो अभी चलते हैं खीरीगंगा की तरफ, सॉरी बरसैनी की तरफ, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। मोहित भाई भी रेडी हैं, तो लेट्स गो। Hey guys, welcome back. So finally अभी हम टॉच पहुँच चुके हैं। पार्किंग हमें यहीं पे करनी है कार की, सो अभी पार्किंग हो गई है, अभी ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। अभी यहाँ से है 14 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें हमें टाइम लगेगा 5 से 6 घंटे। तो अभी टाइम हो रहा है 11, तो मे बी हम 4 या 5 बजे 6 बजे तक भी पहुँच जाएंगे। अगर हारते हारते भी जाएंगे तभी 6 बजे तक हम ऊपर पहुँच जाएंगे। सो चलो ट्रैक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। सो गाइस, अभी जो ट्रैक है वो है प्लेन पे, मतलब रोड टाइप बना हुआ है। अभी पहले हमें नीचे उतरना है, फिर एक डैम क्रॉस करना है, उधर से हमारा असली ट्रैक शुरू होगा। यार यहाँ का ना व्यू देखो आप, लुक एट द व्यू। सो अभी हम ट्रैक अपना कंटिन्यू रखते हैं और आप भी, आपको भी अपने साथ साथ रखते हैं। कोई अच्छे से आइडिया हो ना ट्रैक के, या फिर कुछ ऐसे ही एडवेंचर ट्रिप के, सो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना। और ये भी ज़रूर बताना कि ये वाला ब्लॉग और ये वीडियोस जो ट्रैवलिंग सीरीज़ की वाली चल रही है खीरीगंगा ट्रैक की, तो वो कैसी लग रही है आपको। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द ट्रैकिंग गाइस। अभी यहाँ से जहाँ खीरीगंगा का ट्रैक स्टार्ट होगा, आई एम नॉट श्योर कि आप प्रॉपरली देख पा रहे हो, बट सीरियसली पानी का फ्लो देखो। तो चलो अब अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं, चलो। A few moments later, यहाँ का जो ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ड्रिजलिंग हुई थी यहाँ पर, इस वजह से यहाँ का ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। सो आई विल शो यू द ट्रैक कैसे हम लोग करके आ रहे हैं। हम लोग राइट उधर से आए हैं, और अभी हम लोग इधर से होते हुए उधर निकलने का, उधर जाना है हमें। अभी हमारा 3 किलोमीटर हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 किलोमीटर अभी बाकी है। गाइस, अगर आपको एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और लाइफ बिल्कुल थ्रिल वाला वो चाहिए ना ट्रैक, तो ये वाला ट्रैक आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो आई रिकमेंडेड यू, प्लीज़ यहाँ मत आना, पहले कुछ छोटा ट्रैक करके ट्राई करो, उसके बाद यहाँ पर आना, और जितना हो सके उतना कम वेट लेके आए प्लीज़। सो स्टे ट्यून, अभी ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ का व्यू देखो यार, ये प्लेन बीच बीच में जो आते हैं ना इस वैली के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे आगे देखो पहले तो, इधर ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ये प्लेन।
और ये डॉग्स है ना, इनको हमने फीड किया था बिस्किट्स. सो अब ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं. यहाँ के डॉग ना बड़े वफादार है यार, मैंने पहले ही बोला था ये बात मनाली वाली ट्रिप में. और एक यहाँ के और एक हम लोग आजकल के इंसान. खैर ट्रैक कंटिन्यू करते हैं. ओके स्टे ट्यून्ड. सो गाइस अभी अभी एक लैंडस्लाइड हुआ हमारे आंखों के सामने, लैंडस्लाइड हुआ था. सो बारिश होने लगी, हम 2 मिनट रुके, सोचा क्या करें यहाँ पे, अभी ये रास्ता बंद हो गया. तो हमने जुगाड़ कराया, देखो मोहित ने ही जुगाड़ किया. ये देखो फट्टे लगा दिए इसी पेड़ के. सो मोहित क्रॉस करेगा पहले, फिर हम लोग चलेंगे. सक्सेसफुल, लेट्स गो. मोहित चला गया, हमारी बारी. मोहित पकड़ना जरा. चल चल तो गाइस बारिश हो गई है तेज, तो अभी चलते हैं. पहले कैमरा बैग में रख लेते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चलने में, तो इसको बैग में रखते हैं. सो अभी मिलते हैं. ओके गाइस इट्स टू स्लिपरी, मोहित विल हेल्प मी. यस जो लोग समझ रहे हैं ना कि खीरगंगा का ट्रैक डिफ़िकल्ट नहीं है, सो प्लीज़ ये अपने दिमाग से मिथ निकाल दो. खीरगंगा का ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है. ये देखो सिंगल आना मतलब कि हेल्पलेस. शुक्र है मैं ग्रुप के साथ आया हूँ, अदरवाइज मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये मैं ट्रैक कर पाता. गाइस फाइनली रीच खीरगंगा. इट्स 5:30 इन द इवनिंग. सो हमने ये ट्रैक किया कंप्लीट 5.5 घंटे में. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, नॉट सो डिफ़िकल्ट बट इट इज़. सो अभी चलते हैं, टेंट्स वेंट्स लेते हैं और आपको यहाँ का पहले व्यू दिखाता हूँ. Guys, view from here is epic. So अभी चलते हैं, टेंट लेते हैं और फिर चलते हैं खीरगंगा में स्नान करने. Okay, let's go. A few moments later. तो ये टेंट हमें पड़ा है कॉस्टिंग अराउंड 800 रुपीज. So ये है हमारा टेंट जिसके अंदर हमारे अभी ऐसी बैग वैग पड़े हैं. और एक चलते हैं ऊपर, ऊपर का ट्रैक करते हैं. ठीक है, फोटो बहुत सारी पड़ी है पे. सो गाइस अभी जा रहे हैं हम हॉट स्प्रिंग में. अभी हम पहुंच गए हैं खीरगंगा वाले मंदिर पे. अभी यहाँ लिखा है जूते यहाँ उतारो, तो जूते उतार के ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है मंदिर में. आज भी यहाँ सही में खीर बहती है या नहीं. सॉरी यार बालों की हालत थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि अभी थक गए थे. सो लेट्स गो, पहले चलते हैं मंदिर, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मेन जो सोता है उसके पास सही में खीर बहती है या नहीं. ओके लेट्स गो. सो गाइस यहाँ इस पे ऐसा लिखा था कि सतयुग में यहाँ पे कार्तिकेय जी, शिव जी और पार्वती जी रहते थे, तो उस करके उन लोगों ने यहाँ पे खीर की गंगा का वो किया था. तो खीर गंगा इसका नाम ऐसे पड़ा. और फिर कलयुग में खीर के लिए लड़ाई ना हो इसलिए यहाँ पर परशुराम जी आए, उन्होंने इसको पानी में तब्दील कर दिया. पर इसके ऊपर आज भी मलाई बहती है. सो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मलाई देखते हैं है कि नहीं. सीरियसली ये मलाई बह रही है, आपको दिखाता हूँ. ये देखो ये पानी सीरियसली बहुत गर्म है. कुछ कुदरती चीज़ों का जवाब आज तक नहीं पता लगा है, उनमें से एक ये भी है कि क्यों ये मलाई क्यों जमती है, ये वाइट क्यों है,
वहाँ पर भी है, वो है यहाँ का मेन सोता। सो अभी चलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग बात है वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, सो सॉरी। ओके सो अभी मिलते हैं आने के बाद। ओके टू आवर्स लेटर, कम बैक गाइस। हॉट वाटर स्प्रिंग के बाद ना पूरा रिलैक्स हो गया शरीर, अभी बहुत ज़्यादा सुस्ती छा रही है, पूरा शरीर सुन्न हो गया एक तरीके से। सो हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर यार सीरियसली बहुत ज़्यादा शांति है। और देखो वहाँ है हॉट वाटर स्प्रिंग, वहाँ पे वी विल मीट सून टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय।